ಇನ್ಸಾಫ್ದು 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 ಮೈಸೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸಾಫ್ದು ಮೈಸೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸಾಫ್ದು 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 ಮೈಸೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸಾಫ್ದು ಮೈಸೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸಾಫ್ದು 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 ಮೈಸೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸಾಫ್ದು ಮೈಸೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸಾಫ್ದು अस्सलाम वालेकुम। मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, शहर मैसूर में वाक़े शांति नगर जहां पर मदनी सर्कल है, वहां पर पिछले दो दिन पहले हमारे मैसूर के अजीम शख्स जिनका नाम हाफिज अकमल साहब था, उनका बेरहमी के साथ कत्ल करने के बाद जो है कल नमाज जनाजा के बाद SDPI के रियासती सदर आली जनाब अब्दुल मजीद साहब ने कहा था कि आज बरोज़ इतवार 4 बजे शांतिनगर में वाक़े मदनी सर्कल पर जो है एक एहतजाज रखा गया था। तो बाकायदा हज़ारों की तदाद में लोग यहाँ पर जमा हुए और बहुत सारे उलमा इकराम भी यहाँ पर जमा हुए और उनके घर वाले, रिश्तेदार और बहुत सारे उनके चाहने वाले, उनके शागिर्दान यहाँ पर जमा रहे। तो आइए जानते हैं इस एहतजाज में कौन कौन जो है शिरकत कर क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं। بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون। आज शहर मैसूर में शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान के रास्ते पर चलते हुए मेरा एक बड़ा भाई मौलाना हाफिज अकमल शहीद शहीद मिल्लत की तारीख को दोहराकर इस दुनिया फानी से आखिरत की तरफ चले गए, लेकिन आज इस आयत की बसासत से मैं पूरी हुकूमत को, कर्नाटक की आवाम को, कातिलों को, मुजरिमों को, चोरों को, डाकुओं को पैगाम देना चाहता हूं। तुमने तलवार से वार कर मेरे भाई मौलाना अकमल शहीद को शहीद कर दिया, लेकिन मेरा सच्चा कलाम खुदा ने जो हमारे सच्चे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नाजिल किया, उनके कलाम ने बता दिया, वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। कान खोल के सुन लो कातिलों, मुजरिमों, चोरों, डाकुओं। अल्लाह कहता है कि शहीद हमें जो तुम गुमान न करो, तुम ये वहम न करो कि शहीद मुर्दा है, शहीद जिंदा होता है। शहीद कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक शहीद जिंदा रहेगा। उसी शहीद के खून की बरकत आज मैसूर का नौजवान यहां जमा है, मैसूर की बहनें यहां जमा है, मैसूर का हर फर्द यहां पर जमा है, वो शहीद के खून की बरकत है। कल मैसूर की सरजमीन में चोरों डाकुओं तुम्हें पैगाम दे दिया है, तुम्हारे मुंह पर जूता मार दिया है। मैसूर की सरजमीन के नौजवानों ने बता दिया है कि मैसूर के नौजवान, मैसूर के अवाम शहीद के साथ है, कट पॉकेट और मजदूर और चोरों के साथ नहीं है। बताओ मैसूर वालों, तुम चोरों के साथ हो या शहीदों के साथ हो? जोर से बताओ। हमारा ये पैगाम सिद्धरामैया तक जाना चाहिए, जिस सिद्धरामैया ने KMDC के चेयरमैनशिप के लिए एक
कुंदम अवादी को चुना है, शाहवानी चाहिए। क्या कर्नाटक में, क्या हमारा कर्नाटक का बांझ है, शहर मैसूर बांझ है? क्या कर्नाटक में ऐसा लीडर नहीं है जो केएमडीसी की खिदमत कर सके? जाकर सिद्धरामैया ने केएमडीसी के चेयरमैन को, उस गुंडे मवाली को चुना है जिस गुंडे मवाली ने रसूलुल्लाह के वारिस, नबी का वारिस, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाला वो मर्द कलंदर, सच बोलने वाले हाफिज अकमल को जो शहीद करने में जिसकी प्लानिंग थी, उस गुंडे को चेयरमैन बना है। मैं आज से सिद्धरामैया को पैगाम देना चाहता हूं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी पार्टी में क्या ऐसे अच्छे लोग नहीं है जो तुम ऐसे चोरों को अपने सर पर बिठाए हो? मैं कौम से पूछना चाहता हूं, तुम्हारा डिमांड होना चाहिए, तुम्हें पूछना चाहिए। कौम के नौजवानों, मैं पूछो भी तुम्हारे सामने फैलाता हूं, मेरे एक भाई को बेदर्दी से जो नमाज पढ़ के निकला था उसे बेदर्दी से उन्होंने शहीद कर दिया। क्या तुम ऐसे मुजरिमों को, ऐसे खातिलों को मैसूर में जमाओगे? मैसूर में नहीं, जिताओगे? इन गुंडों को तरीपार करो, इन मुजरिमों को यहां से निकालो, इंशाल्लाह इन खातिलों को यहां से धक्के मार के निकालो, इंशाल्लाह तभी शहीद मिल्लत मैसूर टीपू सुल्तान बाकी रहेगा। वरना ये चोर कफन बेच देंगे, कौम को बेच देंगे, मिल्लत को बेच देंगे, औकाफ के प्रॉपर्टियों को बेच देंगे। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हम एसडीपी वाले बोल बोल कर थक गए, लेकिन हम मायूस नहीं है। कल हमने एसडीपी के एक जियाले हाफिज अकमल शहीद का जनाजा उठाया है, लेकिन जनाजा उठाकर भी अल्लाह की कसम आज हम थोड़ा बराबर भी डरे नहीं है। उस जनाजे के बाद से हमारी भी तमन्ना हो गई, हम भी अल्लाह के रास्ते में इसी तरह शहीद हो के अल्लाह के पास जा रहे हैं। मैं मैसूर कमिश्नर, मैसूर कमिश्नर, मैसूर पुलिस, ये जो ढोंग का मार्च अपने के पीसफुल मार्च फिर रहे हैं, इससे फीस आने वाला नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। 24 घंटे हो गए, एफआईआर में A1 A2 का पता तुम्हें है। मामूली किसी चोर का मर्डर हो जाता है, किसी टेररिस्ट का मर्डर हो जाता है, तुम हजारों लोगों को उठा लेते हो। कल मेरे भाई को 2 दिन हो गए शहीद होकर, अब तक क्यों नहीं मिला वो मुजरिम? कहां गए वो मुजरिम? क्या तुम बचाने के फिर चले गए हो? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारी पूरी स्टेट कमेटी ने डिमांड किया है कि 24 घंटे और एक्स्ट्रा 24 घंटे ले लो, और एक्स्ट्रा 24 घंटे ले लो, लेकिन हमें हकीकी मुजरिम चाहिए, हकीकी मुजरिम चाहिए। मैं और ये गुंडों से कहना चाहता हूं, ये कातिलों से कहना चाहता हूं, अगर तुम में हिम्मत होती मेरे हाफिज अकमल शहीद के सामने से तुम लड़ते, मुझे मालूम है तुम उस दिन ना मर्दो, सिर्फ हुकूमत के ओहदे में आकर तुम सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी जानते हो। इसके अलावा तुम्हारे खून में बुजदिली है, तुम्हारे खून में नामर्दानगी है, इस वजह से तुम खींचे से मार कर आए हो। लेकिन मेरा भाई तो शहीद होके चला गया। मैं और मैसूर के वो जत्ते AZ BZ पता नहीं कैसे कैसे ग्रुप आए, पी ग्रुप, ए ग्रुप, जेड ग्रुप, बी ग्रुप, एस ग्रुप, उनसे कहना चाहता हूं, एक चोर के आने पर तुमने पूरे मैसूर में हंगामा किया जिसके सबब से मेरा भाई शहीद होके चला गया। उन तमाम ग्रुपों से कहना चाहता हूं, कल कयामत के दिन हाफिज अकमल शहीद के गिरेबान हाथ से तुम हरगिज नहीं बच सकोगे। अब भी तुम लोगों को तौबा का वक्त है। OBZ AZ ZMAR पता नहीं कितने ग्रुपों के लोगों, मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, इन कातिलों से बरात का इजहार करो, वरना कल खयामत के दिन रोजे महशर हाफिज अकमल शहीद से तुम लोग बच नहीं सकते, याद रखो। मैं मैसूर के अवाम से कहना चाहता हूं, कभी भी इन मुजरिमों को अपने सर पर मत बिठाओ, ये हमेशा तुम्हारे सर पर बैठकर गौसा नगर की अवाम तुम्हारे वोटों से जीतकर ये मुजरिम बशीर आज इस इख्तदार पर आया था, आकर तुम्हारी खिदमत करने के बजाय इस चोर बशीर ने एक आलिम दीन जो नबी का वारिस था उसे इसने शहीद कर दिया। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इन तमाम गुंडों को
मुजरिमों को सही सबक सिखाना होगा। हमारी डिमांड मैसूर कमिश्नर से है कि इस बशीर को मैसूर से फौरन तड़ीपार किया जाए और इसे उठाकर जेलों के सलाखों में डाला जाए। ये कौम की खिदमत करने का न काबिल है, ना अहल है, ना अहल हमारे सरों पर बैठे हैं। कब तक तुम इन ना अहलों को सर पर बिठाओगे? आखिर में मैं कहना चाहता हूं, जिस रास्ते पर मेरा भाई हाफिज अकमल शहीद सच बोलते बोलते चला गया, वो आज आधा काम छोड़ के गया है। इंशाल्लाह मेरे नौजवान उलमा यहां पर बैठे हैं, एक एक आलिम नौजवान, एक एक आलिम हाफिज अकमल शहीद के रास्ते पर चलते हुए हक बोलते हुए इस मैसूर में शहीद होकर इंशाल्लाह अल्लाह के पास जाए। आखिर में मैं अपने जज्बात का इजहार इन अशआर से कहकर खत्म करता हूं। मेरा शौक नजर, मेरा शौक नजर आजमा लीजिए, अगर बिजली गिराना है तो हम पर भी गिरा लीजिए। जिस तरह कातिलों तुमने कल मेरे भाई को कत्ल किया, अगर तुम्हें शौक है तो हमें भी कत्ल करके बताइए। मैं यही कहना चाह रहा हूं, मेरा शौक नजर आजमा लीजिए, अगर बिजली गिराना है तो मुझ पे भी गिरा लीजिए। मैं निकला हूं घर से यही सोचकर, मैं अकमल साहब जितने मेरे कारकुनान हमारी पार्टी के हैं हम सब अपने घरों से यही सोच के निकले हैं। मैं निकला हूं घर से यही सोचकर, या तो नजरे नहीं या तो ये नजारा नहीं। जालिमों अपनी किस्मत पे ना जाना हो, चोरों कातिलों मुजरिमों जालिमों जालिमों अपनी किस्मत पे ना जाना हो, दौर बदलेगा ये वक्त की बात है। वो यकीनन सुनेगा सदाए मेरी, वो यकीनन सुनेगा सदाए मेरी, क्या तुम्हारा खुदा है हमारा खुदा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जनाब अयास पंडू साहब, जनाब मौलाना आदिल साहब, जनाब अब्दुल मजीद साहब और मौजूद साथियों, ये एक आलिम का कत्ल नहीं हुआ है बल्कि एक आलम का कत्ल हुआ है। ये सिर्फ एक इंसान का कत्ल नहीं हुआ है बल्कि एक इंसानियत का कत्ल हुआ है। आज मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं, मिल्लत के साथ, माइनॉरिटीज के साथ, खुसूसन मुसलमानों के साथ और हमारा मजहबी तशक्कुस रखने वालों के साथ फिस्ताइयत के क्या हालात हैं हम सबको मालूम है। दो दिन पहले जुमा के दिन किस तरीके से दिल्ली में जब रोड पर जगह न मिलने की वजह से चंद नौजवान जो मुसाफिर थे सजदे में थे, उनको कानून के ड्रेस में, कानून के जूतों में किस तरीके से उनको मारा है वो भी हम सोशल मीडिया में देखे हैं। और इसी तरीके से मुल्क में हर दिन मर्डर हो रहे हैं, जिना हो रहा है, चोरी हो रहा है, सामाजिक बुराइयां तो फैली हुई हैं, लेकिन ये जो मुल्क है ये गुंडा राज का मुल्क नहीं है, ये डेमोक्रेटिक मुल्क है। ये मुल्क में कानून है, ये मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन है, ये मुल्क में कोर्ट है, ये मुल्क में पुलिस है, ये मुल्क में पुरअमन तंजीमें हैं, पुरअमन समाजी कारकुनान हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि कैसे समाजी बुराइयों को कंट्रोल करें। अगर कोई कानून हाथ में लेता है, अगर कोई कानून को गुंडा की तरह नाफिज करने की कोशिश करता है तो ये मुल्क बच नहीं सकता। ये मुल्क में हम तमाम को पुरअमन रहने के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानी देना पड़ेगी, उसी की एक कुर्बानी मौलाना हाफिज अकबल ने दी है। हाफिज अकबल शहीद हो चुके हैं, आखिरत में जो दर्जात उनको मिल रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है, फैमिली की क्या जिम्मेदारी है, पुलिस की क्या जिम्मेदारी है, मैसूर के उलमा इकराम की क्या जिम्मेदारी है, यहां के MLA की क्या जिम्मेदारी है, यहां के NGOs की क्या जिम्मेदारी है? ये बहुत बड़े बड़े सवाल थे जिसका एक एक जवाब आज का मजमा आपसे पूछना चाहता है। ये खामोश बैठा हुआ मजमा,
खामोशी के साथ सवाल कर रहा है और आपको खामोशी के साथ जवाब जरूर देना पड़ेगा। यहां पर जो भी शहादत हुई है, ये शहादत के पीछे कितने बड़े बड़े हाथ हैं, इसका अंदाजा उसी वक्त में हो रहा है कि गिरफ्तारी के लिए एक एक मिनट लेट हो रहा है, एक एक घंटा लेट हो रहा है, एक एक दिन लेट हो रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई एक आम नौजवान या जज्बात में आकर किसी पागल ने यह हादसा नहीं किया है, एक बहुत ही मुनज्जम तरीके से जिसके सर पर सरकार का हाथ है, जिसके पेन में सरकारी इंक है, ऐसे लोगों ने इसको नाफिज किया है। इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और खुसूसन मुसलमानों के आम अमन पसंद नौजवान एक सवाल कर रहे हैं कि इतनी देर तक गिरफ्तारी नहीं होने का पक्का राज क्या है। यह सवाल हमारे कानून की वर्दी वालों से, आपको मालूम होना चाहिए कि जनाजे में पूरा कर्नाटक के हमारे कारकुनान आना चाहते थे, लेकिन हमने उनको मन्नत समाजत करके मैसूर का ही इतना बड़ा मजमुआ है, फिर आप जाएंगे तो वहां पर फरिश्तों के अगर पैर होंगे तो फिर आपको जगह कहां मिलेगी। इसलिए हमने वहां पर उनको कंट्रोल किया, उनको आने नहीं दिया, वरना हाफिज अकबर सिर्फ मैसूर का हिस्सा नहीं थे, वो पूरे आलम का हिस्सा थे, चूंकि वो एक आलिम थे। तो मेरा आज आप तमाम से एक सवाल है कि ये कितने दिन तक हम जुल्म बर्दाश्त करेंगे, और दूसरा सवाल पुलिस से है और कितने घंटे तक हम आपको इंतजार करना है, और तीसरा सवाल है मुजरिम से, आप और कितने घंटे तक छुपे रहेंगे। ये तीन चार सवाल हैं, ये तीन चार सवाल का जवाब मीडिया की जिम्मेदारी है पूछना। मेरा सवाल यह है कि क्यों यहां के एमएलए से ये मीडिया ने जाकर यह नहीं पूछा कि आपका क्या राज है कि आपने नमाज़े जनाज़े में शिरकत नहीं की। फिर मीडिया से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप पुलिस कमिश्नर से जाके पूछो कि आप और कितने घंटे तक आप इंतजार कराएंगे कौम को। अक्सर जब भी हादिसात हुए हैं, इसीलिए हादिसात हुए हैं कि कानून अपना काम नहीं करता। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि जरूर मैसूर में कानून अपना काम करेगा। कानून के हाथ बड़े हैं, अमन पसंद लोग अमन का गहवारा है, और यहां पर मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम मोहल्ले वाले, तमाम मैसूर के लोग हमारे पूरे वो फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ खूनी रिश्ता है, ये एक बहुत बड़ा रिश्ता है जिसे बुझाया नहीं जा सकता। तो मैं इसी उम्मीद के साथ विदा होता हूं कि कमिश्नर साहब मेरी बात सुन रहे हैं, और मीडिया के हजरात भी मेरी बात सुन रहे हैं, और यहाँ के एमएलए हजरात भी मेरी बात सुन रहे हैं। जरूर इसके ताल्लुक से अपने इकदाम आगे करें, वरना आपको एक बहुत बड़ी सियासी नाकामी का सामना करना पड़ेगा। शुक्रिया।